फ्रेंड्स, अपने लेक्चर सीरीज के 19th लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा प्रिजम्पशंस, उपधारणाएं। उपधारणाओं का संबंध बर्डन ऑफ प्रूफ से है, जो हम डिस्कस कर रहे थे 101 से लेकर के 111 तक हमने डिस्कस किया था। तो हमने बताया था कि आपको बर्डन ऑफ प्रूफ जनरली उस पर होता है 101 में जो वाद को लाता है या जो प्रोसिक्यूशन शुरू करता है, जब तक कि लॉ अदरवाइज प्रोवाइड ना करे। तो जो हम प्रिजम्पशन की बात करते हैं, प्रिजम्पशन का मतलब सेक्शन 102 से है। कोर्ट किसी फैक्ट को प्रिज्यूम कर सकती है जो एक पार्टी को प्रूफ करना होता है। तो जो प्रूफ करना होता है उसके बिहाफ से कोर्ट प्रिज्यूम करती है कि जैसे मैंने मुकदमा दायर किया, बर्डन चला जाएगा, बी ए ने दायर किया तो बी पे जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट ये प्रिज्यूम करे नहीं, बर्डन बी पर नहीं बल्कि ए पर आएगा, उसे कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। तो बर्डन ऑफ प्रूफ एक इन्फ्रेंस होता है जो कोर्ट ड्रा करती है। उसके सामने जो फैक्ट्स होते हैं, अदर फैक्ट्स होते हैं, उनके बेसिस पर वो प्रिज्यूम कर लेती है कि एक आदमी अपराधी है। जबकि नियम यह है कि जब तक कोई इनोसेंट है तब तक उसे अपराधी नहीं माना जा सकता। लेकिन कोर्ट अगर खुद ही कहती है, जैसे 113A एविडेंस एक्ट में कोर्ट में प्रिज्यूम, 113B में कोर्ट शैल प्रिज्यूम, डाउरी डेथ का केस अगर है तो बर्डन ऑफ प्रूफ चला जाएगा अक्यूज्ड पर, जबकि जाना चाहिए प्रोसिक्यूशन पर। तो जहां जहां एविडेंस एक्ट में प्रोवाइड किया गया है कि कौन कौन से ऐसे फैक्ट होंगे जहां बर्डन ऑफ प्रूफ किस पार्टी पर होगा, उसे कहते हैं प्रिजम्पशन। तो प्रिजम्पशन को ऐसा नहीं कि प्रिजम्पशन मतलब होता है कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया तो उसे डिस्पेल करने की या रिवर्ट करने की पावर दूसरी पार्टी पर नहीं है। और ये डिपेंड करेगा लॉ पर। अगर लॉ कहती है कि नहीं, हमको ये प्रूफ कर, हम ये प्रूव्ड हो गया, इसको दूसरी पार्टी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये प्रिजम्पशन 100% है, तब तो आपको मानना ही पड़ेगा, उसे रिवर्ट करने की परमिशन दूसरी पार्टी को नहीं होती। इसलिए आप देखेंगे कि प्रिजम्पशन की 3 कैटेगरी एविडेंस एक्ट में बनाई गई है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। तो मे प्रिज्यूम में कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है, जैसे सेक्शन 113A में प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, जब 7 साल के भीतर किसी की डेथ हो जाती है, वाइफ की डेथ हो जाती है और उसकी डेथ अननेचुरल तरीके से होती है, तो और ये डाउट है कि उसके फैमिली वालों ने, ससुराल वालों ने उसे अबेट किया होगा, तो कोर्ट अबेट किया होगा। और डेथ अगर अननेचुरल है, 7 साल के भीतर है मैरिज के, तो कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि उसकी डेथ कास का अबेटमेंट किया गया होगा, अगर सुसाइड कर लेती है तो, या जल के मर जाती है तो। सेक्शन 113A में मे प्रिज्यूम है। और उसी के नेक्स्ट सेक्शन में एविडेंस एक्ट के सेक्शन 13B में शैल प्रिज्यूम आ गया है। अगर उसे, अगर वो खुद जल जाती है, सुसाइड करती है, खुद फांसी फंदा लगाती है, तो अबेटमेंट टू सुसाइड हुआ, कोर्ट में प्रिज्यूम अंडर सेक्शन 113A। लेकिन अगर उसको जला के मार दिया या अलिगेशन ये है कि उसे फांसी पर लटका दिया गया, तो यहां पर कोर्ट प्रिज्यूम कर लेंगे शैल कि आप नहीं मारा होगा, आप साबित करें कि आपने नहीं मारा है, ससुराल वालों नहीं मारा है, जबकि होना उल्टा चाहिए था, यह बर्डन प्रोसिक्यूशन पे जाना चाहिए था जो मैटर लेकर आता है। लेकिन यहां क्योंकि लॉ बहुत क्लियर कट कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरी पार्टी पर है, अक्यूज पर होगा, इसलिए यहां पर प्रिजम्पशन हो जाएगा, अक्यूज ने 113A में उकसाया होगा, अबेट किया होगा, या 113B में मार डाला होगा। 113B में शैल प्रिज्यूम है और 113A में मे प्रिज्यूम है। 114A में भी शैल प्रिज्यूम है। 114A क्या है? 114A वहां अप्लाई करता है, कैपिटल ए, जब किसी का रेप होता है और आप प्ली लेते हैं कि साहब उसकी कंसेंट थी,
मैंने रेप नहीं किया है, बल्कि सेक्सुअल प्रोसेस में उसकी भी कंसेंट थी, लेडी की, वीमेन की। अगर अगर वो वीमेन आकर के जो प्रोसिक्यूटिक्स है, जो विक्टिम है, वो कोर्ट के सामने कहती नहीं सर मेरी कंसेंट नहीं थी, तो कोर्ट को प्रज्यूम करना पड़ेगा उसकी कंसेंट नहीं थी। तो सेक्शन 113A में मैं प्रज्यूम, सेक्शन 113B और सेक्शन 114A में शैल प्रज्यूम। यहां पर दोनों प्रजम्पशंस हैं, चाहे मैं प्रज्यूम हो चाहे शैल प्रज्यूम हो, अगर कोर्ट प्रज्यूम कर भी लेती है तो दूसरी पार्टी को उसे रिवर्ट करने का राइट होता है। वो कह सकती साहब आपका प्रजम्पशन गलत है, मैं इसे साबित करूंगा एविडेंस से, मैं आपके सामने ऐसे फैक्ट लाऊंगा जिससे प्रूफ होगा कि मैं दोषी नहीं हूं, इसने फांसी लगा के मैंने नहीं मारा, हमने नहीं मारा, या अबेटमेंट हमने नहीं किया। दोनों ही केसेस में चाहे मैं प्रज्यूम हो चाहे सेल्फ प्रज्यूम हो, दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन होता है उसे वो रिवर्ट कर सके, उसे कंट्रोवर्ट कर सके और अपने ऊपर लगाए गए दाग को, धब्बे को वो मिटा सकती है। इसे कहते हैं प्रिजम्पशंस। तो मैं प्रज्यूम, शैल प्रज्यूम, अभी और डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को, लेकिन आप पहले समझिए कि मैं प्रज्यूम का मतलब होता कोर्ट मैं प्रज्यूम कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है। एग्जाम्पल है सेक्शन, टिपिकल एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, टिपिकल एग्जाम्पल है सेक्शन 113A मैं प्रज्यूम में, और शैल प्रज्यूम में एक एग्जाम्पल और भी है सेक्शन 113A के अलावा सेक्शन 114। सेक्शन 114 में कोर्ट किसी फैक्ट को प्रज्यूम कर सकती है। 113A में अगर अबेटमेंट टू सुसाइड है किसी मैरिड वीमेन का 7 साल के भीतर बाई हर फैमिली मेंबर्स, देन द क्वेश्चन ऑफ प्रिजम्पशन राइजेस, कोर्ट में प्रज्यूम। और सेक्शन 114 में क्या है कि अगर फैक्ट्स ऐसे हैं जो देखने में लगते हैं कि हाँ गड़बड़ी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 3 टेलीविजन रखा हुआ है और किसी ने कहा कि साहब ये माल रखा हुआ है, और किसी के यहाँ चोरी हो गई किसी दुकान पे, उसने FIR लिखा दी है, तो पुलिस को डाउट होता है, आपके घर में छापा मारने पुलिस आती है और वो टीवी आपके घर में मिल जाती है, उसकी रसीद आप नहीं दिखा पाते, तो कोर्ट में प्रज्यूम कि ये टीवी वही है जो चोरी हुई है, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर होगा, इसे आप रिवर्ट करें। तो घटना के तुरंत पहले या घटना के तुरंत बाद की जो स्थिति होती है, फैक्ट्स को प्रूव करने में मैं प्रज्यूम होती है। जैसे किसी जमीन पे कब्जा हो गया, आप कहते मेरा जमीन है, भी कहता मेरा जमीन है, 10 साल पहले बाढ़ आई थी, जब नाप जो की गई थी, मेजरमेंट किया गया था, जमीन उनके पास थी, इस बीच 5 बार बाढ़ आई, बाढ़ घटते घटते मिट्टी कटते कटते दूसरे शिफ्ट कर गई और जमीन बन गई, तो दूसरी पार्टी कह सकती है साहब बाढ़ तो आई थी, कोर्ट में प्रज्यूम कि बाढ़ से सॉइल कट करके इसके पेपर में आ गई। ये सब ऐसे प्रिजम्पशंस हैं। जैसे मान लीजिए दुकान में बैठे हैं आप के दुकान में गुल्लक में 202 रुपए सवेरे 10 बजे थे, तुरंत 202 रुपए आ गए। अब आपकी दुकान पे एक आदमी आया, बाहर खड़ा हुआ है, उसने खरीदा नहीं, खरीदने के लाया हुआ, पुलिस पकड़ के आती है, उसे ले जाती, कहता तुमने 2 रुपए चुराया उसके घर किसी के घर से। अब डाउट होता दुकानदार पर कि 202 रुपए तुम्हारे पास कहाँ से आ गया, 200 होना चाहिए था। तो अब प्रिजम्पशन क्या होगा कि 2 रुपया उसी आदमी ने दिया होगा जो उस दुकान में खड़ा है और रुपया उसी चोरी का है। इसको कहते हैं फैक्चुअल प्रिजम्पशन। आप देखेंगे जब हम डिस्कस कर रहे थे 133 को, अकम्प्लिस को, तो मैंने 114 का जिक्र किया था। 140 एल सेक्शन बी में का प्रिजम्पशन क्या है, जो अकम्प्लिस होता है वो क्रेडिबल नहीं होता, उसकी वर्थ नहीं होती, उससे विश्वास मत करो क्योंकि झूठा होता है। 114 का सेक्शन बी में 133 में कहा गया है कि अकम्प्लिस एक कॉम्पिटेंट विटनेस है। 114 इलस्ट्रेशन 2 में नकार दिया गया है, बोला कि वो वर्दी नहीं है, क्रेडिट वर्दी नहीं है, और जब भी उस पर विश्वास करो ठोक बजा के करो, मतलब पार्टिकुलर मटेरियल्स को प्रूव करके तभी बिलीव करो। तो ये कहते हैं फैक्चुअल प्रिजम्पशन, कोर्ट प्रिजूम कर सकती है कुछ फैक्ट्स के बारे में, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया 114 में मैं प्रिजूम, 113A में मैं प्रिजूम, और 113B
114A में शैल प्रिज्यूम, मगर इन दोनों केसेस में रिमेंडमेंट का राइट, पलटने का राइट, इसको रॉन्ग प्रूफ करने का राइट दूसरी पार्टी के पास रहता है हमेशा। उसको कहते हैं चाहे वो मे प्रिज्यूम हो चाहे शैल प्रिज्यूम हो। अब एक तीसरा जो प्रिजम्पशन आता है वो बहुत खतरनाक प्रिजम्पशन होता है, इसमें आपको अदरवाइज प्रूफ करने का राइट नहीं मिलता, वन साइडेड प्रिजम्पशन है। अब वो प्रिजम्पशन इसे कहते हैं इंस्टीट्यूटेड प्रिजम्पशन, कानून खुद ही इन प्रिजम्पशन को मान्यता दे देता है। तो एक तो उनमें से पहला है सेक्शन 112 एविडेंस एक्ट, ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर हस्बैंड वाइफ में या तो डाइवोर्स हो गया हो या हस्बैंड की डेथ हो गई हो और 280 दिन के भीतर कोई बच्चा पैदा हो जाता है और इस बीच एविडेंस है कि पत्नी किसी से मिली नहीं, तो प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि जो बच्चा 280 दिन के भीतर होता है वो बच्चा पुराने हस्बैंड का है जिससे डाइवोर्स हुआ है या जिसकी डेथ होती है। ये प्रिजम्पशन वैलिड प्रिजम्पशन है और अनकंट्रोवर्टिबल है। अगर कंडीशंस हैं जो 112 में डिस्कस की गई है तो इसको आप पलट नहीं सकते हैं, इसके पीछे रीजन ये है। अदरवाइज तो फिर बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके प्रोविजन बनाया गया है, नहीं तो हस्बैंड अगर पलट जाएगा बच्चा मेरा नहीं है तो बच्चों को बास्टर्ड होना पड़ेगा तो उनकी सोसाइटी में उनकी रिस्पेक्ट तो खराब होगी ही, साथ ही साथ उस लेडी की पोजीशन खराब होगी जिसके कोख से बच्चा पैदा हुआ है। इसीलिए नियम 112 का बना दिया गया है, अगर 280 दिन के भीतर कोई बच्चा पैदा होता है और पत्नी की असेस पति पत्नी की असेस के दूसरे आदमी के साथ नहीं रही है तो मान लिया जाएगा कि बच्चा पति का है। अगर पति पत्नी की असेस रही है तो साथ साथ असेस मतलब इंटरकोर्स नहीं होता, असेस मतलब दोनों के साथ रहना होता है। तो अगर इस बीच से दोनों साथ हैं तो चाहे डाइवोर्स हुआ हो चाहे न हुआ हो, बेसिक चीज ये प्रूफ करना पड़ता है कि हस्बैंड की वाइफ किसी दूसरे वाइफ की असेस वाइफ की पहुंच दूसरे आदमी के साथ नहीं थी। तो सेक्शन 112 एविडेंस एक्ट में ये पहला प्रिजम्पशन है जिसको आप कंट्रोवर्ट रिबट नहीं कर सकते। दूसरा है सेक्शन 113 में जैसे आप जम्मू कश्मीर को भारत सरकार ने मिला लिया, यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया, तो 113 ये कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट किसी टेरिटरी को या राष्ट्रपति किसी टेरिटरी को डिक्लेयर करते हैं अपनी टेरिटरी, किसी टेरिटरी का सेशन कर लेते हैं अपने मिला लेते हैं या कोई टेरिटरी दूसरे को दे देते हैं तो ये आप इसके खिलाफ एविडेंस नहीं दे सकते जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गजट में आ गया या जो प्रेसिडेंट के डिक्लेरेशन में आ गया। तीसरा एग्जाम्पल इसका मिलेगा सेक्शन 41 एविडेंस एक्ट में। सेक्शन 41 एविडेंस एक्ट में रेलिवेंसी ऑफ जजमेंट है। आप जानते हैं कि जजमेंट की जो रेलिवेंसी होती है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की वो कुछ उसी केस तक रहती है, उसकी कोई डिक्टा नहीं होता, उसमें कोई रूलिंग नहीं होती आर्टिकल 141 कॉन्स्टिट्यूशन की तरह। तो ऐसे जजमेंट जो कोर्ट देते हैं उसी जजमेंट तक उसकी वैल्यू होती है, लेकिन सेक्शन 14 ये कह रहा है, वैसे तो पूरा 41-45 में आप देखेंगे कि जजमेंट रेलिवेंट नहीं होते दूसरे जजमेंट में दूसरे केस में जब तक कुछ कंडीशन मेंशन की गई हैं जो 43 मेंशन की गई हैं वो कंडीशन ना हो, मगर चैप्टर डिस्कस नहीं कर रहे यहाँ पर। 41 ये कह रहा है कि अगर जजमेंट दिया गया है जैसे वो मैरिज का जजमेंट है, इंसॉल्वेंसी का जजमेंट है, एडमिरल्टी का जजमेंट है, जैसे कोई भी कोर्ट डिक्लेयर कर देती है आपको इंसॉल्वेंट तो वो प्रूव हो जाता है फॉर द होल वर्ल्ड, तो वो पर्सनल जजमेंट नहीं रह जाता। 41 ये कह रहे हैं कि अगर जजमेंट किसी कोर्ट ने दे दिया है दैट इज एन एब्सोल्यूट एविडेंस, उसका आप कंट्रोवर्ट उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकते। सेक्शन 82 चाहे इलेक्शन सेक्शन 41 में अगर मान ली कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया आपको इंसॉल्वेंट तो इलेक्शन कमीशन हो चाहे कोई अधिकारी हो चाहे दूसरा कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो उस कोर्ट के जजमेंट को मानेंगे, कहीं उसके खिलाफ आप एविडेंस नहीं दे सकते। इसी तरीके से
मैरिज है, अगर एक कोर्ट ने कहा कि आप डाइवोर्स हो गया, अब हस्बैंड वाइफ नहीं रहे, तो पूरी दुनिया को मानना पड़ता है हस्बैंड वाइफ आप नहीं रहे, चाहे जो भी कोर्ट हो। तो ये जजमेंट, ये रिलेवेंट तो भले ना हो, लेकिन इसके खिलाफ एविडेंस आप किसी दूसरे कोर्ट में नहीं दे सकते हैं, ये फाइनल इरिवोकेबल हो जाता है, जजमेंट फॉर ऑल। तो जजमेंट इन पर्सोनम नहीं होता, जजमेंट अगेंस्ट ऑल हो जाता है। और फिर इसमें जो चौथा जो सी कंडीशन है, जो जिसको आप जिसके अगेंस्ट में आप एविडेंस नहीं दे सकते, वो है सेक्शन 82 आईपीसी। सेक्शन 82 आईपीसी में क्या है, डुलाई इनकैपेक्स, कोई बच्चा जो 7 साल उससे कम का है वो ऑफेंस नहीं करेगा, उसके खिलाफ कोई चार्ज नहीं फ्रेम कर सकते, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं कायम हो सकता, मर्डर भी क्यों ना कर दे, क्योंकि इंडियन पिनल कोड में ये 82 प्रोवाइडेड है। और ये कह रहा है कि 7 साल से कम, 7 साल या उससे कम का कोई भी अगर लड़का है तो वो ऑफेंस नहीं कर सकता, ये प्रिजम्पशन है। तो पहला प्रिजम्पशन क्या है, जो अकाट्य है, जो इरेवोकेबल है, जो अनरिवोटेबल है, वो प्रिजम्पशन है सेक्शन 112 बर्थ ड्यूरिंग मैरिज। दूसरा प्रिजम्पशन है सेक्शन 113 प्रूफ ऑफ सेशन ऑफ ए टेरिटरी, अगर कोई टेरिटरी अक्वायर कर लिया है। तीसरा है सेक्शन 41 प्रूफ ऑफ मैरिटल जजमेंट, चाहे वो डाइवोर्स का हो, चाहे वाइट का हो, इंसॉल्वेंसी का कोई जजमेंट हो, या कोई विल का, कोई प्रोबेट हो, जैसे कोई कोर्ट ने आपने कहा वसीयत करने वाले ने आपके नाम एक एग्जीक्यूशन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया कि मेरे मरने के बाद इस बिल को एग्जीक्यूट आप करेंगे, उसे कहते हैं प्रोबेट। तो अगर प्रोबेट के बारे में कोई एक बार जजमेंट दे देता, अगर आप प्रोबेट होल्डर बन गए, इसको कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं कर सकता, इसके खिलाफ कोई जजमेंट नहीं दे सकता कि कोर्ट ने गलत दिया था या सही दिया था, वो फाइनल हो जाता है। फिर लास्ट मैंने बताया आपको सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी, अगर कोई बच्चा 7 साल से कम है तो आपको मानना पड़ेगा वो ऑफेंस नहीं करेगा, क्योंकि ये लॉ प्रिज्यूम कर सकता है, इसे चुड्यूल प्रिज्यूम कहते हैं। तो मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, तो लास्ट चार कैटेगरी कंक्लूसिव प्रूफ है। बाकी जो मैंने बताया आपको सेक्शन 113 भी, सेक्शन 114 ए, सेक्शन 111 ए भी है, उसको भी देख लीजिएगा, वो भी मे प्रिज्यूम है, मे प्रिज्यूम कैटेगरी में आएगा, सॉरी शैल प्रिज्यूम कैटेगरी में आएगा। तो शैल प्रिज्यूम कैटेगरी में आया तो सेक्शन 111 ए आया, सेक्शन 113 बी आया, सेक्शन 114 ए आया, लेकिन इसके खिलाफ आप सबूत दे सकते हैं, रिवर्ट कर सकते हैं। और मे प्रिज्यूम कैटेगरी में सेक्शन 113 ए आया था, 114 आया था, दो सेक्शन से जो मे प्रिज्यूम थे, ये सारे जो प्रिजम्पशंस हैं ये रिवर्टेबल हैं। इसके बाद बहुत सारे प्रिजम्पशंस हैं जो डॉक्यूमेंट्री प्रिजम्पशंस हैं, उसको आपको याद करना पड़ेगा कहाँ कहाँ मे प्रिज्यूम है, कहाँ कहाँ शैल प्रिज्यूम है। जैसे डॉक्यूमेंट के प्रिजम्पशन में मे प्रिज्यूम है सेक्शन 86, जैसे कोई सर्टिफाइड कॉपी है फॉरेन जुडिशियल जजमेंट की, डिसीजंस की, तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि वो जजमेंट सही है। ऐसे ही जो बाजार में सरकारी नक्शा बिकता, मैप बिकता है, चार्ट बिकते हैं, जो बुक्स होती हैं आथर की, वो प्रिजम्पशन होता है कि वो कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि वो किताबें सही हैं, सेक्शन 87 में दिया गया है। सेक्शन 88 में जो टेलीग्राम वगैरह आते हैं, प्रिजम्पशन एज टू टेलीग्राफिक मैसेजेस, ये प्रिज्यूम कर सकती कोर्ट कर सकती है। सेक्शन 90 में है जो 30 ईयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट है उनका सही होना कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है। सेक्शन 90 ए कैपिटल ए में है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स वगैरह, ऐसे रिकॉर्ड्स जो 5 साल तक रखे जाते हैं, कोर्ट उनको प्रिज्यूम कर सकती है वो सही है। इसके बाद मैंने दो बताए आपको, सेक्शन 113 ए, सेक्शन 114। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो मे प्रिज्यूम है, 86, 87, 88, 88 ए, 90, 90 ए, ये डॉक्यूमेंट्स मे प्रिज्यूम है। इसी तरह के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो शैल प्रिज्यूम होते हैं, जहां कोर्ट को प्रिज्यूम करना बाउंड है, हालांकि आप रिवर्ट कर सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट हैं जो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी करेगी, करना ही करना होता है, वो सेक्शन 79 में है कि वो डॉक्यूमेंट सही है। सेक्शन 80 में है कि जो आपके सामने रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया गया वो सही है। सेक्शन 81 में है जो न्यूज़पेपर्स हैं, गजट हैं, बेयर एक्ट वगैरह हैं, पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सही है। सेक्शन 82 में कहा गया है
कि क्योंकि हम इंग्लैंड के भी कभी पार्ट हुआ करते थे, जो इंग्लैंड के सीले होती है, इंग्लैंड के सिग्नेचर्स होता है, अगर किसी पुराने डॉक्यूमेंट पे इंग्लैंड के सम्राट का सिग्नेचर है, कैबिनेट का सिग्नेचर है, तो उसका सही होना भी प्रूव होता अगर डॉक्यूमेंट उस समय के हैं तो। फिर 81A में है, कैपिटल ए में है, प्रिजम्पशन जो इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में जो रखे गए गजेट्स उनका प्रज्यूम होना कंपलसरी होता है, कोर्ट से प्रज्यूम करती है। 83 में है कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज को मैप बनता है वो प्रज्यूम कोर्ट करना होता है, 83 में है। 84 में है जो लास्ट कलेक्शन है, रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट AIR वगैरह है वो सब, या SEC वगैरह है, ये सब कोर्ट प्रज्यूम करेगी कि वो सब सही दिए गए हैं। 85 में है अगर आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है तो कोर्ट प्रज्यूम करेगी पावर ऑफ अटॉर्नी सही है। 85A में, कैपिटल ए में दिया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स हैं वो सही होंगे, कोर्ट प्रज्यूम करेगी। 85B में जो दिया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं वो सही हैं, और 80C में दिया गया है प्रिजम्पशन एज टू सिग्नेचर ऑफ डिजिटल सर्टिफाइड कॉपीज, जो डिजिटल सर्टिफाइड कॉपीज हैं वो सही होना प्रज्यूम होते। तो इतने केसेस में जो मैंने बताया आपको 79 से लेकर के 89 तक भी बताया मैंने आपको, ये सब शैल प्रज्यूम होगा, और 86 और 90A तक जो मैंने बताया था आपको मे प्रज्यूम होगा डॉक्यूमेंट्री। तो तीन तरह के प्रज्यूम्स होते हैं, मे प्रज्यूम, शैल प्रज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। थैंक यू।